हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम द बीचलर नेपरलिस की सिंथेसिस रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, उसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द रिएक्शन। इट इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ आइसोक्विनोलिन। अगर हमें आइसोक्विनोलिन को सिंथेसाइज करना है तो हम इस रिएक्शन को यूज कर सकते हैं। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्विनोलिन? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोक्विनोलिन। अगर हमें आइसोक्विनोलिन डिजाइन करना है सो उसके लिए वी कैन यूज दिस मेथड। नाउ दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स बीटा पिनाइल इथाइल अमाइड। बीटा पिनाइल इथाइल अमाइड, दिस इज द रिएक्टेंट। दिस इज द रिएक्शन, दिस रिएक्टेंट, दिस इज अल्फा पोजिशन एंड दिस इज बीटा पोजिशन। सो बीटा पोजिशन इज लिंक्ड विद फिनाइल ग्रुप। सो दिस इज बीटा फिनाइल इथाइल अमाइड। इसको जब हम POCl3 के साथ ट्रीट करते हैं, सो POCl3 के साथ जब ट्रीट करेंगे सो यहाँ से हमें इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। और फर्दर इसका जब ट्रीटमेंट करेंगे पैलेडियम कार्बन के साथ में और सिलेनियम के साथ में, सो दिस कंपाउंड विल बी फॉर्म। दिस इज आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव। सो आर ग्रुप है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट आर ग्रुप लेके यहां से डिफरेंट आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और जो बेंजीन रिंग है उसके भी हम डिफरेंट डेरिवेटिव्स लेके इस रिएक्शन में डिफरेंट आइसोक्विनोलिन डेरिवेटिव्स को फॉर्म कर सकते हैं। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? नाउ मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, फर्स्ट स्टेप इज this is beta phenyl ethyl amide NH C double bond को R। so first step is इसको हमने treat किया POCl3 के साथ में। so यहाँ से क्या है, nitrogen के पास जो lone pair है this will attack here, this bond will shift here। और जो POCl3 है उसका स्ट्रक्चर होगा ये। सो यहाँ से एक क्लोराइड आयन है दैट विल रिलीज एंड दिस ओ नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस फॉस्फोरस। सो यहाँ से दिस विल बी द स्ट्रक्चर दैट वी विल ऑब्टेन। नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, ओ नेगेटिव था ये, ओ नेगेटिव ने जो फॉस्फोरस पर अटैक किया तो यहाँ से P अटैच हो गया OCl2। फॉस्फोरस के साथ जो एक क्लोराइड आयन था वो हमने क्या कर दिया, यहाँ से रिलीज कर दी एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस नाइट्रोजन एटम। नेक्स्ट स्टेप इज यहाँ से ये जो बेंजीन है इसका डबल बॉन्ड है दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन एंड दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर। सो यहां से ये रिंग क्लोजिंग हो गई है, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन दिस कार्बन विद आर ग्रुप एंड ओ पीओ सी एल टू ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप यहां से इसके अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि एरोमेटिसिटी है बेंजीन की वो क्या हो रखी है, डिस्टर्ब हो गई है। सो यहां से ये प्रोटोन है वो रिलीज कर जाएगा ताकि जो बेंजीन है वो अपना एरोमेटिक कैरेक्टर है उसको रिगेन कर सके। सो यहाँ से इस स्टेप में क्या होगा, जो बेंजीन है उसका एरोमेटिक कैरेक्टर
रिगेन होगा, हियर इज आर ग्रुप एंड ओ पी ओ सी एल टू ग्रुप. नो नेक्स्ट स्टेप इज कि जो नाइट्रोजन है उसके पास जो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन जो एटम है इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है वो क्या करेगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. दिस बॉन्ड विल रिलीज, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, दिस प्रोटॉन विल रिलीज. सो यहाँ से हमें ऑब्टेन होगा ये मॉलिक्यूल, बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के साथ में दिस इज बेंजीन रिंग, और इसके साथ में दिस रिंग कंटेनिंग डबल बॉन्ड हियर एंड वन नाइट्रोजन, वन आर ग्रुप हियर, और यहाँ से रिलीज हो गया एच ओ पी ओ सी एल टू. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से पैलेडियम है, कार्बन और सेलेनियम, यहाँ से रिएक्शन कराएंगे और यहाँ से आइसो किलो किनोलेन हमें ऑब्टेन हो. सो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आइसोक्विनोलिन.